हेलो गाइस, दिस इज सनी गुलवे, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। ये इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने ये पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आई वुड रिकमेंड के आप पहले वो वीडियो देख ले। या तो फिर अगर आपको ऑलरेडी सप्लाई डिमांड का बेसिक्स पता है, सप्लाई लाइन डिमांड लाइन इनको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं ये भी आपको पता है, तो फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आप ये वीडियो में समझ पाएंगे। अब यहाँ पे ये ग्राफ्स पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ्स बहुत सारे आएंगे, ठीक है। हम मोस्टली चीज़ें जो इंटरप्रेट करेंगे वो ग्राफ्स के थ्रू ही करेंगे। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आप ग्राफ्स में अगर वीक हैं तो प्लीज़ पहले वो थोड़ा एरिया आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। एक तो इकोनॉमिक्स वैसे भी थोड़ा कंसेप्चुअली डिफ़िकल्ट होता है, और उसमें भी आप अगर उसको ग्राफ से कंबाइन करोगे तो वो थोड़ा लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है। तो आप जो ये सब्जेक्ट के प्री रिक्विजिट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो आप पहले कर ले तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमने लास्ट टाइम देखा था डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। ये डिमांड कर्व है जो क्या बताता है कि मार्केट में अगर कोई कमोडिटी की डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होगी, ठीक है, तो वो कमोडिटी को लोग कौन सी क्वांटिटी में डिमांड करेंगे, मतलब किस प्राइस पे कौन सी क्वांटिटी डिमांडेड होगी बाय द पीपल, वो किससे पता चलेगा, डिमांड कर्व से। और उसका ऑपोजिट क्या है, सप्लाई कर्व। किस प्राइस पे कौन सी क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स या सेलर सप्लाई करना चाहते हैं वो किससे पता चलेगा, सप्लाई कर्व से। अब इसमें दोनों लाइंस एक दूसरे के ऑपोजिट है। आप यहाँ पे देखोगे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस कम होगी तो लोग ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे, प्राइस ज़्यादा होगी तो लोग कम क्वांटिटी डिमांड करेंगे। उसका ऑपोजिट सप्लाई में है। जो प्रोड्यूसर्स या सेलर्स हैं जो कि सप्लाई करना चाहते हैं, उनका बेनिफिट कहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा प्राइस में उनका बेनिफिट है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये प्रोड्यूसर्स अपनी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये अपवर्ड स्लोपिंग है, सॉरी, ठीक है। तो ये दोनों हमने देखे इंडिविजुअल ग्राफ्स। ये है कंज्यूमर्स के लिए और ये है प्रोड्यूसर्स के लिए। बट जो एक्चुअल मार्केट प्लेस होता है वहां पे दोनों लोग इकट्ठा होते हैं। मैंने पहले लेक्चर में मार्केट प्लेस की बात की थी, उसमें मैंने बोला था कि मार्केट प्लेस या तो फिजिकल हो सकता है या तो ऑनलाइन हो सकता है, जैसे हम शेयर मार्केट में देखते हैं। पर दूसरी उसकी कंडीशन क्या थी मार्केट की, कि वहाँ पे जो कमोडिटी खरीदना और बेचना चाहते हैं वो एक साथ आना चाहिए। तो जब ये सप्लायर्स और कंज्यूमर्स एक जगह पे आएंगे मार्केट प्लेस पे, तब ये दोनों जो ग्राफ्स है वो अलग अलग नहीं देखे जाएंगे, उसको एक साथ देखा जाएगा, ठीक है। अभी हम ये जो कंज्यूमर्स है उसको आइसोलेशन में देख रहे हैं, सिर्फ उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो हमको ये डिमांड कर्व मिला। जब हम सप्लायर्स को आइसोलेशन में स्टडी करते हैं तो हमें ये सप्लाई कर्व मिलता है। बट जब हम किसी मार्केट को स्टडी करते हैं तब हमें पता है कि मार्केट के अंदर दोनों लोग होंगे, सप्लायर्स भी होंगे और कंज्यूमर्स भी होंगे, तब ये आइसोलेशन में स्टडी नहीं किया जाएगा, ये दोनों जो लाइन्स हैं वो एक साथ स्टडी की जाएगी, ठीक है। और वो ये दोनों लाइंस को एक ही ग्राफ में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में जाने से पहले ये जो सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम मार्केट ये वगैरह जो जिसने लोगों को बताया था उसके बारे में बात करते हैं, और उनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने सबसे पहली बार उनकी एक बुक थी एन एंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये 1776 में लिखी थी।
एक्चुअली ये जो बुक है इसको पॉपुलरली बोला जाता है द वेल्थ ऑफ नेशंस, पर वो उसका पूरा नाम नहीं है, ये है इसका पूरा नाम, ठीक है। अब उन्होंने जो ये बुक में लिखा था उसको बोलते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, या तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट इन इकोनॉमिक्स। इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे जो कि मार्केट के अंदर या किसी भी इकोनॉमी के अंदर काम करते हैं। तो पहले वो प्रिंसिपल्स हम देख लेते हैं, और इसी वजह से शायद आपको पता होगा कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार इस सब्जेक्ट के ऊपर इतना बड़ा राइटिंग इन्होंने लिखा था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। सबसे पहली चीज, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब मार्केट के अंदर आपको पता है कि लोग जीने के लिए कोई ना कोई ह्यूमन एक्टिविटी तो करेंगे ही, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ही। तो वो जो काम करना है उसमें क्या क्या आता है, उस टाइम पे हम क्या करते थे, बेसिकली हमारा जो एक्टिविटी था वो मोस्टली एग्रीकल्चर था, ठीक है। इतना उस टाइम इंडस्ट्री मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा था पर इतना नहीं था। तो जो हमारे तीन सेक्टर्स है उसमें से मेन एग्रीकल्चर था, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और उन्हीं रिसोर्सेज को हम यूज़ करके उनको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करके हम उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के लोग होंगे, जो रिसोर्सेज को कन्वर्ट करेंगे और हमारे लिए यूज़फुल बनाएंगे, मतलब पब्लिक के लिए, और वो जो पब्लिक जो उसको यूज़ कर रही है वो कंज्यूमर्स होंगे, ठीक है। तो इनका कहना ये था कि मार्केट में रिसोर्सेज जो हैं वो कोई एक अथॉरिटी के हाथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज जनरली सारे रिसोर्सेज किसके हाथ में होते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में, बट उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पब्लिक के ऊपर छोड़ दो कि उनको रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज करने हैं, ठीक है। और वो रिसोर्सेज जो कि अवेलेबल है उसको यूज़ करके उसको कैसे बेचना है, कितने प्राइस पे बेचना है, कितने क्वांटिटी में बेचना है, वो सब पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे पहला उनका पॉइंट था कि भाई जो भी इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ हो रही हैं सारी गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं, अगर हो भी तो भी उसका कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसको बोला जाता है लेसे फेयर। फ्री मार्केट इकोनॉमी जो मैंने ऊपर जो बोला वही है, फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स आर फ्री, ठीक है, उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग रखती है कि तुम्हारी जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं इसमें दवाइयों का प्राइस एक लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है प्राइस। कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन भी कंट्रोल करती है कि इतना प्रोडक्शन होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो इतना सेलिंग होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो इतना ही इम्पोर्ट होना चाहिए या तो इतना एक्सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो कंट्रोल्स हैं ये गवर्नमेंट के हाथ में है, तो इस कंडीशन को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं बोल सकते। तो इन्होंने ये बोला था कि अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं रखोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो मार्केट है वो कैसा हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और वो एक दूसरे के साथ अपने टर्म्स में, मतलब उनके बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उस पे वो ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये वैसे देखा जाए तो बेसिकली वो सब तीन चार पॉइंट में उन्होंने एक ही तरीके की बात की है थोड़ा घुमा फिरा के। दूसरा है फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जैसे मैंने आगे बोला गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा तो कोई किसी को बोल नहीं पाएगा कि भाई तुमको इतना ही प्रोड्यूस करना है या इतने ही प्राइस पे बेचना है, ठीक है। तो ये सब इसकी फ्रीडम होगी प्रोडक्शन की और कंजम्पशन की, ठीक है। प्राइस कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, ये ऊपर हमने देख ही लिया।
देन एक और उन्होंने पॉइंट बोला इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का मतलब ये है कि मार्केट में एक ऐसा फोर्स है जो कि दिख नहीं रहा है पर वो काम जरूर कर रहा है, ठीक है। वो फोर्सेस हैं डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस। मतलब कि मार्केट में अगर प्रोड्यूसर्स हैं, सेलर्स हैं और उसके सामने कंज्यूमर्स हैं, तो वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के हिसाब से ऑटोमेटिकली प्राइस एडजस्ट कर लेंगे। किसी को उसके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को उसके ऊपर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मार्केट में बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश हो जाएगा। और वो ऑटोमेटिकली कैसे होगा? वो होगा इनविजिबल हैंड से। ये इनविजिबल हैंड कौन सा है? मार्केट फोर्सेस का है। मार्केट फोर्सेस इस तरीके से एक्ट करेंगे मार्केट में कि ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये जो मार्केट फोर्सेस हैं जो कि बिना देखे काम कर रहे हैं अपना, उसको उन्होंने इनविजिबल हैंड बोला, ठीक है। वैसे तो हम अभी मैक्रो में जब दो मेथड्स पढ़ेंगे या दो स्कूल्स ऑफ थॉट पढ़ेंगे, एक केन्शियन है और एक क्लासिकल है, उसमें यह सारी चीज़ें पूरी डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे उसके कुछ मेन मेन पॉइंट्स थे, उनकी जो थिंकिंग है उसके कुछ मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मार्केट के तरफ जाते हैं। इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हमारा अजम्पशन क्या है? वी आर अज्यूमिंग फ्री मार्केट, जो कि अभी एडम स्मिथ के थियोरी में हमने देखा है, हम वही अज्यूम कर रहे हैं। मीन्स बायर्स एंड सेलर्स अफेक्ट द इकोनॉमी, ओनली बायर्स एंड सेलर्स अफेक्ट द इकोनॉमी, और कोई इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ना ही सेंट्रल बैंक कर रही है, ना ही गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। देन ये सिचुएशन अगर है, अगर फ्री मार्केट है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? मार्केट विल करेक्ट इटसेल्फ एंड विल ब्रिंग इक्विलिब्रियम थ्रू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई इस तरीके से एडजस्ट होगा मार्केट के अंदर कि ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे आएगा। इस तरीके से मैंने अभी स्टार्टिंग में पहली स्लाइड में दिखाया था, दो अलग अलग ग्राफ्स थे, एक में डिमांड लाइन अलग थी, एक में सप्लाई लाइन अलग थी। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों लाइन एक ही ग्राफ के अंदर है। अब यहाँ पे तो प्राइस ही रहेगा, यहाँ पे दो चीज आ जाएंगी, क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि यहाँ पे जब ये वाला ग्राफ हमने देखा था, तब हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया था, सॉरी एक्स एक्सिस पे लिया था क्वांटिटी डिमांडेड, और ये वाले ग्राफ में हमने लिया था क्वांटिटी सप्लाइड एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम दोनों लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, और प्राइस तो दोनों में कॉमन ही है। तो आप देखेंगे कि जिस पॉइंट पे मार्केट में सप्लाई लाइन और डिमांड लाइन इंटरसेक्ट होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। या तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने बार्गेनिंग करके ये पॉइंट चूज कर दिया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? सबसे पहली चीज ये होगी कि ये पॉइंट ऐसा है जिसपे मार्केट के अंदर जो सप्लाई करने वाले हैं और जो वही कमोडिटी को डिमांड करने वाले हैं, वो एक प्राइस पे और एक क्वांटिटी पे अग्री हुए हैं, ठीक है। उन दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया है कि हम इतनी क्वांटिटी सप्लाई करेंगे और इतनी ही क्वांटिटी खरीदी जाएगी, और वो किस प्राइस पे खरीदी या बेची जाएगी, ये प्राइस पे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट में आपको एक डेफिनेट क्वांटिटी और प्राइस मिल जाता है। तो इसी को हम बोलेंगे, ये जो क्यू दिख रहा है, इसी को हम बोलेंगे क्वांटिटी सप्लाइड और इसी को हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, और इतनी ही क्वांटिटी बेची जाएगी और इतनी ही क्वांटिटी सामने खरीदी जाएगी, और वो इस प्राइस पे खरीदी जाएगी, ठीक है। नाउ ये जो इक्विलिब्रियम है, इसके अंदर मार्केट में क्या होता है, ये प्राइस जो है
वो बायर्स और सेलर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि अगर सप्लायर साइड से देखोगे तो वो तो ऑब्वियसली हायर प्राइस डिमांड करेंगे और जो कंज्यूमर्स हैं वो लोअर प्राइस डिमांड करेंगे, बट दोनों ने बार्गेन करके क्या डिसाइड कर लिया है, ये मिडल वाला प्राइस डिसाइड कर लिया है। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमें कोई प्राइस मिलती है तो इसका मतलब समझ लेना कि वो प्राइस दोनों को एक्सेप्टेबल है, सेलर्स को भी एक्सेप्टेबल है और बायर्स को भी। ठीक है, नाउ प्राइस विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ डिमांड सप्लाई मतलब क्या है? ये अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई एक प्राइस डिसाइड होती है तो उस प्राइस पे ऑटोमेटिकली क्या डिसाइड हो जाता है, क्वांटिटी भी डिसाइड हो जाती है। ठीक है, नाउ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड उसके बीच में मिसमैच हो सकता है, बट वो मोमेंटरी होगा, मतलब थोड़ी देर के लिए होगा, क्योंकि एज पर एडम स्मिथ प्रिंसिपल उन्होंने क्या बोला था, अगर मार्केट को आप फ्री छोड़ देते हो, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट या कोई दूसरी अथॉरिटी का, तो मार्केट विल करेक्ट इट्सेल्फ, एक इनविजिबल हैंड काम करेगा किसका, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस का, जो मार्केट को ऑटोमेटिकली फिर से इक्विलिब्रियम पे ले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा मैंने सिचुएशन बताया है जिसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये वाला पॉइंट, अभी प्राइस P2 चल रहा है मार्केट में पर सप्लाई डिमांड से कम है, मतलब थोड़ी शॉर्टेज है कॉमोडिटी की। ठीक है, उससे ओपोजिट ये दूसरी सिचुएशन है, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा माल पड़ा हुआ है पर लोग खरीदना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब सरप्लस प्रोडक्शन होके पड़ा हुआ है, उस पर प्राइस ये वाले चल रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये अभी दोनों पोजिशन डिसइक्विलिब्रियम पोजिशन में है। तो जैसे ही मार्केट इक्विलिब्रियम से थोड़ा भी हिलता है, डिसइक्विलिब्रियम की तरफ जाता है, ऑटोमेटिक मार्केट फोर्सेस एक्ट करना चालू कर देते हैं और उसको इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल ये शॉर्टेज वाला पोजीशन, शॉर्टेज चल रही है तो वो पता कैसे चलेगा लोगों को, मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ बायर्स हैं और थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स हैं, तो जो सेलर्स हैं अगर मार्केट में शॉर्टेज है तो वो ज़्यादा देर तक वो इन्फॉर्मेशन छुपी नहीं रहेगी, जो भी सेल करने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं से तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़े टाइम में पता चल ही जाएगी कि मार्केट में मैं जो कमोडिटी बेच रहा हूँ उसका शॉर्टेज चल रहा है। ठीक है, भले ही मोमेंटरीली उनको ना पता हो, वो नॉर्मल अपने जो प्राइसेस पे बेच रहे हैं वही प्राइसेस पे बेचते जाएंगे, बट थोड़े टाइम के अंदर उनको पता तो चल ही जाएगा कि भाई हम जो कमोडिटी बेच रहे हैं उसकी पूरे मार्केट में शॉर्टेज है। वो ऑटोमेटिकली क्या करना शुरू कर देंगे, अपना प्राइस बढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, क्योंकि उनको पता है मार्केट में कमोडिटी की शॉर्टेज है, लोग तो खरीदने आएंगे ही। ठीक है, तो वो उसको ये अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने की कोशिश करेंगे, अपना प्राइस बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जैसे अभी प्राइस P2 है तो वो प्राइस P2 नहीं रहेगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा P0 की तरफ, वो बढ़ाते जाएंगे प्राइस, और आप देखते जाइए कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाता है ये जो शॉर्टेज जो है, ये जो गैप था, ये जो क्वांटिटी सप्लाइड है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है, वो गैप जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा जैसे जैसे हम ये सेंटर पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो जो सप्लायर है उसने अगर ये जज कर लिया कि भाई मार्केट में शॉर्टेज है, उसने प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसका इफेक्ट डिमांड पे क्या होगा, हमने देखा था आगे ही, अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती जाती है, कम होती जाती है, लोगों के द्वारा क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो प्राइस बढ़ गया है उस पर कुछ लोग वो चीज़ को अफोर्ड ना कर पाए। ठीक है, तो जैसे जैसे ये सप्लायर जो है उसको पता चलेगा कि शॉर्टेज हो रही है, वो अपना प्राइस बढ़ाते जाएगा, सामने से डिमांड भी कम होती जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो डिमांड सप्लाई का गैप है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा
और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे ये प्राइस ऐसी होगी कि सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड सेम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, हम इक्विलिब्रियम पे वापस पहुंच गए। इसका उल्टा यहाँ पे होगा, ठीक है, अगर ये प्राइस P1 पे मान लो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, इतनी क्वांटिटी लोगों ने ऑलरेडी बना के रखी है और लोग डिमांड उससे कम कर रहे हैं, इतनी क्वांटिटी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जैसे सप्लायर को धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी कि भाई मार्केट में शॉर्टेज है, वैसे उसी तरीके से ये कंज्यूमर्स को भी धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि भाई मार्केट में लोगों के पास माल बहुत पड़ा है, बिक नहीं रहा है, ठीक है। तो अब ये जो कंज्यूमर्स हैं वो कम प्राइस पे डिमांड करना चालू कर देंगे, ठीक है, और सप्लायर्स भी मजबूर हो जाएंगे क्योंकि उनका माल बिक ही नहीं रहा है, ठीक है, तो वो जो मार्केट में अभी प्राइस चल रहा है पी वन उससे कम प्राइस पे बेचने को भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सरप्लस की सिचुएशन में कौन पावरफुल हो जाता है, ये कंज्यूमर्स, तो वो क्या करेंगे, प्राइस को नीचे ड्रैग करने की कोशिश करेंगे। तो ये अब ये प्राइस जो पी वन है वो पी जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है, और जैसे जैसे प्राइस कम होते जाएगा आप देखेंगे कि ये सरप्लस, ये जो ये इतना जो गैप था वो गैप कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए प्राइस धीरे धीरे कम हो रहा है, तो डिमांड साइड क्या सिचुएशन होगी, हमको पता है जैसे जैसे प्राइस कम होते जाता है लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि प्राइस कम होने के बाद कुछ लोग ऐसे नए जुड़ जाते हैं जो कि पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे पर अब अफोर्ड कर सकते हैं ये कम प्राइस पे, ठीक है, तो लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाती है। बट उसके ऑपोजिट सप्लाई साइड में क्या होगा, सप्लाई साइड में ये होगा कि कुछ जो सप्लायर्स हैं वो बहुत कम प्राइस पे वो उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो फिर वो बेचना ही पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, तो इस साइड से ये जो तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी कम होते जाएगा, ठीक है, और धीरे धीरे ये जो गैप है वो कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड सेम हो जाएगी, मतलब ये फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसी को हम बोलते हैं लेसे फेयर, इसी को हम बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है इसका कोई इंटरवेंशन नहीं है, और इसी तरीके से ये मार्केट फोर्सेस इस तरीके से एक्ट करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी में कि जो इक्विलिब्रियम है वो ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश हो जाता है। नाउ हम इक्विलिब्रियम में कैसे कैसे चेंज हो सकता है वो थोड़ा देखते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो मतलब पहला वीडियो जो देखा था उसमें मैंने क्लियरली आपको डिफरेंस बताया था कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है और चेंज इन डिमांड क्या होता है, ठीक है। अगर ओनली प्राइस चेंज होता है, एक मिनट में फिर से फर्स्ट, अगर ओनली प्राइस चेंज होता है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, बट ये कर्व जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये कर्व से इधर ही रहेगा। अगर हायर प्राइस है तो क्वांटिटी कम डिमांड होगी और लोअर प्राइस है तो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है। तो अगर प्राइस में कोई चेंजेस आते हैं तो ये कर्व वैसा ही रहेगा, ओनली क्या चेंज होगा, प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, ठीक है। पर प्राइस के अलावा कोई चीज़ अगर चेंज होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इनकम का, अगर आपकी इनकम कम ज़्यादा होती है तो ये पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो ये डिमांड कर्व राइट साइड शिफ्ट होगा, अगर आपकी इनकम कम हो जाती है, इन हैंड सैलरी कम हो जाती है, तो ये डिमांड कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। उसी तरीके से सप्लाई साइड में भी ऐसा ही था, अगर प्राइजेस चेंज होते हैं तो ओनली क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी और ये सप्लाई कर्व ऐसा ही रहेगा। बट अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल कम हो जाता है तो अब सप्लाई बढ़ जाएगा सेम प्राइस पे, तो ये सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टू राइट, ठीक है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो इक्विलिब्रियम को कैसे अफेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। केस वन, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड डिक्रीजेस। अब आप देखिए अगर कोई चीज़ का प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रहा है तो कंपनी को क्या हो रहा है,
फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, उनको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस प्राइस पे पहले वो जो क्वांटिटी दे रहे थे, अब उसी प्राइस पे वो ज़्यादा क्वांटिटी देने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब वो उनको वो जो ज़्यादा प्रोडक्शन है उसका उनको कॉस्ट अफोर्डेबल होगा, क्योंकि सामने उसको उनको उतना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो मैंने अभी बताया था सप्लाई कर क्या क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, फॉर एवरी प्राइस, जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस है, ये एक प्राइस है, ये दूसरा प्राइस है, ये तीसरा, चौथा, ये जो प्राइस है पहले ये सप्लाई कर्व के हिसाब से काम होता था, कौन से, ये वाले, ठीक है। बट अब वो जो प्राइस था पुराना वाला, वो पुराने वाले सप्लाई कर्व के हिसाब से आप इतनी क्वांटिटी सप्लाई करते थे, बट अब वही सेम प्राइस पे आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने को रेडी हो, ठीक है। वैसे ही ये एक सिंगल प्राइस की हमने बात की, हर एक प्राइस पे आपका मतलब सप्लायर्स का जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइस P1 पे पहले ये क्वांटिटी सप्लाई करते थे, अब वो वही प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने को रेडी है, ठीक है। तो इसलिए हर एक प्राइस के ऊपर तुम्हारा जो क्वांटिटी सप्लाइड था वो थोड़ा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए पूरा कर्व ही जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो चेंज हो गया, हमारी डिमांड कर्व तो ऐसे ही है, बट इससे चेंज क्या हुआ है, तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो गया है। पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था और उसके हिसाब से मार्केट ने क्या प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड किए थे, P1 एंड Q1। बट अब तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होके यहाँ पे आ गया है, मार्केट ने अब क्या प्राइसेस डिसाइड किए हैं, प्राइस P3 एंड Q3, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा चेंज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं, इफ द इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ग्राफ थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, ये तुम्हारे एक्सेस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, सप्लाई कर्व तो ऐसा ही रहेगा, बट डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले जिस प्राइस पे लोग जो क्वांटिटी खरीद सकते थे उससे ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं वही प्राइस पे, ठीक है, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ गई है, ठीक है। तो हर प्राइस के ऊपर अभी लोगों के द्वारा क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ रही है, और उसकी वजह से ये पूरा जो डिमांड कर्व है यही पूरा क्या हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। पर इससे एक चेंज क्या हुआ, पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये, अब वो चेंज होके हो गया है ये, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होने से क्या हो रहा है, तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों चेंज हो रहे हैं। देन तीसरा केस, इसके अंदर मैंने दोनों इफेक्ट लिए हैं, यहाँ पे भी ये आपको प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, ये तुम्हारे एक्सिस हैं, इसमें मैंने दोनों चीज़ें ली हैं। सप्लाई के अंदर क्या लिया है कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, और डिमांड के अंदर भी क्या लिया है, लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ है तो ये सप्लाई कर्व क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। उसी तरीके से लोगों की इनकम भी बढ़ रही है तो ये डिमांड कर्व क्या होगा, ये भी राइट साइड शिफ्ट होगा। तो दोनों का कंबाइन इफेक्ट होके हमें फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। अब इस पे जो भी क्वांटिटी आएगी या जो भी प्राइस आएगी वो लोगों को एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। तो ये था इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद इलास्टिसिटी क्या है वो देखेंगे, और थोड़े बहुत हम एग्जांपल्स भी देखेंगे इक्विलिब्रियम के, इलास्टिसिटी के, सप्लाई डिमांड के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।